हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट पेड़ा। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है ये, 10 मिनट में बन जाता है। इसका टेस्ट एकदम मार्केट जैसा बनता है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बोल में पहले ले लिया मिल्क, गुनगुना गर्म करके मैंने इसको लिया। फिर 1 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर और 1/4 कप मैंने लिया है शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। फिर मैं एक कढ़ाई को गर्म कर लूँगी, उसमें डाल दूँगी घी और घी थोड़ा मेल्ट हो जाए उसमें मैं मिला लूँगी वो मिल्क पाउडर का मिक्सचर। आप चाहे तो यहाँ पे घी डाल के डायरेक्ट मिल्क पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा देर तक इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो लम्स पड़ने का चांसेस रहता है। इसलिए अगर आप इसको पहले ही ऐसा घोल के डालेंगे तो बहुत ईजीली वो मिक्स हो जाता है, कोई लम्स नहीं रहता। आप गैस का फ्लेम शुरू से ही लो टू मीडियम ही रखें और उसको चलाते हुए ऐसा पकाते जाना है। तब तक पकाना है जब तक ये पैन से पूरा ऐसा सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं पूरा अलग हो गया है, पैन में स्टिक नहीं हो रहा है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बोल पे और फिर मैं इसमें मिला लूँगी 2 चम्मच कोकोआ पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एक बार रूम टेम्परेचर में आ जाए फिर मैं इसका बना लूँगी पेड़े। मैंने पहले ही हाथ में थोड़ा सा घी लेकर ऐसा रब कर लिया। आप ऑयल भी ले सकते हैं। फिर ऐसा छोटा छोटा सेक्शन लेके मैं लड्डू जैसा बना के ऐसा उंगली से दबा के उसका शेप लगा लूँगी और उसमें पिस्ता देके मैं उसका गार्निश कर लूँगी। आप मैं प्रीफर करूँगी आप 1 चम्मच का इस्तेमाल करें, इससे पेड़े का साइज़ जो है वो इक्वल बनेगा, सभी एक साइज़ के बनेगा, हाथ से उठाने से कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा करके मैं बाकी के पेड़े भी बना लूँगी। मैंने पिस्ता से गार्निश किया, आप चाहे तो दूसरा ड्राई फ्रूट से भी इसको कर सकते हैं गार्निश। बहुत सिंपल और इजी सा रेसिपी है, फिर भी इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।